अंधेर गर्दी चल रही है बिल्कुल ही, और खुला खेल फरुखाबादी है, वो चलते नहीं है, वो जो कहते हैं उसको अपोजिट में चलते हैं। सरकार को सुनाने से ज़्यादा हम अपने लोगों में अवेयर लाना चाहते हैं कि जितने भी साधन संसाधन प्रसाधन जॉब्स हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री है, वो सब एक ही 2-3% लोगों ने ही कैप्चर कर रखा है। जब तक देखो केंद्र में या स्टेट गवर्नमेंटों में हमारा प्रतिनिधित्व 85% नहीं होगा, तब तक हमें कोई न्याय मिलने वाले की उम्मीद है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जनहित आवाज, देश की आवाज, बुलंद आवाज, और मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान पर। रामलीला मैदान ये वही मैदान है जहाँ पे बहुत से संगठनों ने यहाँ पे लड़ाई लड़ी है और जंग भी जीता कहीं ना कहीं। और आज जो लोग मौजूद हैं वो लोग हैं बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया से द्वारा यहाँ पे लोग मौजूद हैं। उन्होंने कार्यक्रम रखा है 23 और 24 जुलाई का, बहुजन को लेकर ये लोग एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, जो जिस तरह से 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है? देखो, जिस तरह से देश में हमारी आबादी है ना, उस हिसाब से हमें कहीं भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, और इसके लिए हम एक आवाज़ उठा रहे हैं। पहले भी 2 बार हमने ये आंदोलन की शुरुआत की थी, अब 2 दिन का ये हमने एक सम्मेलन समझ लें उस टाइप का हमने ये रखा है। इसमें हम अवेयर करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं अपने समाज को, SC ST OBC और माइनॉरिटी को। अच्छा, आपको लगता है कि देश भर में जो है वो कहीं ना कहीं जाति धर्म को लेकर विवाद होता है? हाँ देखो, विवाद भी होता है, दूसरी बात ये है कि जितने भी साधन संसाधन प्रसाधन जॉब्स हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री है, वो सब एक ही 2-3% लोगों ने ही कैप्चर कर रखा है देश का। और जैसे हमारी आबादी 85% हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उस हिसाब से ना तो हमें केंद्रीय की कहीं नौकरियों में हमें कोई आरक्षण है, ना राज्य की कोई सी जो भी जॉब है उनमें कुछ हमको मिल पा रहा है। आप लोग की जो सीट रिजर्व है SC ST OBC इन सब की जो सीट रिजर्व है, आप लोग उस सीट से भी खुश नहीं है क्या? नहीं नहीं, देखो वो रिजर्व है, कुछ क्वांटिटी में रिजर्व है, समझ रहे हैं, लेकिन हमारी जो बहुत ज़्यादा तादाद है उसमें ठीक है, SC ST तो समायोजित हो गया, लेकिन OBC और माइनॉरिटी तो समायोजित नहीं होता है, और उसकी जो आबादी है वो तो ऐसे ही रह जाती है। और जैसे जॉब है, अब देखो जज हैं, मान लो जितने भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेज हैं उसमें हम केवल मात्र 85% होते हुए 2% है, और जितने भी जॉब निकलती है जैसे प्रोफेसर्स वगैरह यूनिवर्सिटी हैं, जैसे गवर्नमेंट की 41 यूनिवर्सिटी हैं, उनमें नाम मात्र 1% के लगभग हम हैं। और जैसे ही कोई, अब आज तक ज़्यादातर जो चीज़ देखी जा रही है, अब जैसे केंद्रीय गवर्नमेंट है, इसके जितने भी सेक्रेटरी हैं, 79 सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी मिला के, उनमें से आप ताज्जुब करोगे उसमें केवल 1 SC है, OBC एक भी नहीं है, माइनॉरिटी एक भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम सारे धर्म जाति को एक साथ लेके चलते हैं। नहीं नहीं, वो कहने की बात अलग है, उनकी करने की अलग है। अगर वो उसी बात पर चलते ना, वो चलते नहीं है, वो जो कहते हैं उसको अपोजिट में चलते हैं, और जो वो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। आपको बता रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बता दो फिर उसको देख के। ऐसा नहीं है, इन्होंने जो वीकर सेक्शन बना के भी ना हाई कास्ट में 10% का जो रिजर्वेशन लिया है ना, उससे हमारे रिजर्वेशन को ख़त्म कर दे रहे हैं। दूसरी बात, जितनी PSU हैं देश की, और जो भी फैक्ट्री इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट की थी, चीनी मिल थी, उनको सबको बेचा जा रहा है धनाधन धनाधन। अंधेर गर्दी चल रही है बिल्कुल ही, और खुला खेल फरुखाबादी है। जितने टेंडर्स हैं, जितने भी हमारे वो हैं साधन प्रसाधन है, जो हमारे नेचुरल प्राकृतिक संसाधन जो गवर्नमेंट उसने नेचर ने भी दिए, वो भी हमसे छीने जा रहे हैं। अब देखो, जो जिसका जो हक है, मान लो कोई भी है, इसमें हमारे कई टाइप के वो वर्ग समायोजित हैं इस आंदोलन में। देखो कोई है कुम्हार है, जब उसको आप तालाब नहीं दोगे तो वो कैसे बर्तन बनाएगा, नहीं समझ रहे? जैसे हर आदमी का एक अलग अलग बाइफरकेट करेंगे ना उसको, तो उसका सबसे अलग 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 वो है सारा, लेकिन उसका कोई भी गवर्नमेंट ना जो भी आती जा रही है अब, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, उससे हम बर्बाद हो रहे हैं। और जो हम मांगना चाहते हैं, किसान है, किसान वर्ग, अब देखो आपदा आई है, बारिश आई है, बाढ़ आई है, जो भी आया है उससे तो किसान मर गया है। अब आप बताओ ना, किसान का क्या गलती है इसमें? तो आपको मुआवजा या उसका कोई इतना वो देना चाहिए था, या उसकी एक 5-5 हज़ार लोगों को मिले हैं। हाँ, 5-5 हज़ार से होता कुछ नहीं है, आप बस लगा रहे, हमने खेत जोता है, बोआ है, उसकी बुवाई दी है, उसका खाद दिया है, तो वो तो पहले ही चला गया, तो उससे होता क्या है? आप ये बताओ ना, अब हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, बताओ? पूरा राजस्थान वो है, क्या नाम है अपना, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। आज जो तमाम लोग मौजूद है इस कार्यक्रम में, जो बहुजनों के लिए आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, कितने राज्यों से लोग शामिल हैं यहाँ पर? नहीं देखो, यहाँ तो मेरे हिसाब से प्रतिनिधि तो मोस्टली 5-6 राज्यों के तो हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अपना हरियाणा,
और आप लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं दो दिन का लगातार, इससे सरकार सुनेगी आप लोगों को? नहीं देखो, हम सरकार को सुनाने से ज़्यादा हम अपने लोगों में अवेयर लाना चाहते हैं, उन्हें जागृत करना चाहते हैं। भाई एक तरफ रहोगे, एक जगह रहोगे तो आपकी पूछ होगी तो जैसे ही हमारी जो जॉब्स हैं, जैसे ये ख़त्म की जा रही हैं, हमारा जो आरक्षण है उसको ख़त्म किया जा रहा है घुमा घुमा के, और हर रोज़ जो GST बढ़ रहा है वो उसी पर गरीब आदमी पर जाके लग रहा है। लोग अपनी जो रिजर्व सीट है उसकी डिमांड कर रहे हैं? नहीं, रिजर्व तो है ही हमारी, रिजर्व तो देखो उसमें आपको मैंने बताया ना, SC और ST तो रिजर्व होते हैं, वो तो OBC और माइनॉरिटी की बात। हाँ, OBC और माइनॉरिटी उसको भी थोड़ा वाइड किया जाए इसको, और उसमें उनको भी समायोजित किया जाए। दूसरी बात ये, गवर्नमेंट के जितने भी जॉब है उन जॉबों में हमारा भाई उतना प्रतिनिधित्व नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब में भी मान लो हो भी रहा है तो उसके बाद में जो आप मिनिस्टर्स हैं, देखो केंद्रीय मंत्री ले लो या किसी स्टेट में मिनिस्टर ले लो, उसमें तो हमारा नाम मात्र ही कोटा होता है, समझ रहे हैं? जबकि वो 3% या 5% वाले ही अपने सारे मंत्रालय वही ले लेते हैं, और जो मंत्रालय ले लेंगे और जो वो काम करेंगे वो अपने फेवर में करेंगे, अपने हित को ही करेंगे, अपने लोगों का ही करेंगे। तो जब तक देखो केंद्र में या स्टेट गवर्नमेंटों में हमारा प्रतिनिधित्व 85% नहीं होगा, तब तक हमें कोई न्याय मिलने वाले की उम्मीद है नहीं। तो इसलिए हम इस देश अपने जो लोग हैं इनको धीरे धीरे जगेंगे, जगाना है, टाइम लगेगा लेकिन जगा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने देश का विकास किया, सारे समाज को लेकर चले हैं। नहीं, देखो समाज का विकास तो तब होता है ना, पहले देश का ही विकास नहीं हुआ। आप बताओ जितना भी है PSU बेके जा रहे हो, आपने 24 PSU बेक दिए और आपने और 6 वो जनता को राशन तक दे रहे हैं फ्री में। नहीं वो राशन होता कितना है यार, ये एक मिनट सुनो, पहले पैसे जाते थे उसके 2 रुपये किलो के हिसाब से, अब वो 2 रुपये किलो फ्री कर दिया है, पहले 10 रुपये चले जाते थे, वो है कितने का, 120 रुपये का, लेकिन एक झाड़ी हमारे आदमी जाता है उसे लेने तो उसकी तो झाड़ी 400 रुपये होती है, लेकिन वो तो 400 रुपये की झाड़ी 120 रुपये का राशन लाएगा, और वो चलता कितने दिन है, 2 दिन, वो चलता कितना है, 2 या 3 दिन की डाइट है वो, और उससे क्या पूछे 27 दिन कैसे क्या खाएगा भाई, उसको 27 दिन का क्या, उसे पूरे महीने का वो चाहिए ना। अपना दोगे तो आपको रोजगार दो, अब रोजगार आप दे नहीं पा रहे, आप महंगाई बढ़ा पे जा रहे हो, और उसके बाद में हमारे आंदोलन को भी ख़त्म करते जा रहे हो, और उसके बाद में जो भी हमारी रिजर्वेशन है उस पर भी आप कुठाराघात कर रहे हो, तो ये ऐसे नहीं चलेगा ना, समझ रहे हैं? तो इसके लिए तो देखो हमें यही अपनी ये हम जो कर रहे हैं ना, ये कार्यक्रम है जो हमारा धरना प्रदर्शन मान लो, अवेयरनेस मान लो, मतलब एक आवाज है। हाँ ये हमारी आवाज़ है, सरकार के कानों में भी जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा हम अपने लोगों को जब जगा लेंगे ना, देखो धीरे धीरे हर आंदोलन में टाइम लगता है, लेकिन लग रहा है अब तीसरी बार है ये, फिर जल्दी में अगले महीने या 2 महीने के बाद में फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो हमने इनसे खास बातचीत करी और जाना कि कहीं ना कहीं जो धर्म जाति को लेकर, जो OBC माइनॉरिटी को लेकर, जो इनकी सीट रिजर्व को लेकर बात इन्होंने बताई है कि किस तरह से कहीं ना कहीं उसमें जो दबाव पड़ता है, निचला जाता है उन्हें कहीं ना कहीं, तो इसलिए उस चीज़ की भी ये लोग डिमांड कर रहे हैं। इनका जो इनकी ये लोग चाहते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से देख रहे हो, कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को लेकर वो एक जगह एकत्रित हो, जागृत हो सबसे पहले, क्योंकि एक जागृत होना सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसके बाद वो लोग सरकार तक वो उस चीज़ को आवाज़ उठाए। आपकी क्या राय विचार है इस वीडियो को देखने के बाद, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तब तक देते रहे जनहित आवाज़, देश की आवाज़।